वेलकम स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत है। हम पेपर फर्स्ट के अंदर यूनानी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन हम कर रहे हैं और उसमें अरस्तु का अध्ययन हम कर रहे हैं, एरिस्टोटल जिसे कहा गया है, और उसके विभिन्न विचारों के अंतर्गत आज हम उसके दासता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे कि अरस्तु के अनुसार दास कौन है, अरस्तु के अनुसार क्या यूनानी लोग दास हो सकते हैं, और अरस्तु समाज के इस जो बुराई थी इसके संबंध में वह विस्तार से अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में क्यों वर्णन करता है। क्योंकि जब हम अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार पढ़ते हैं तो अनेक बार ये आता है कि अरस्तु ने समाज की इस बुराई को अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में जगह देकर तत्कालीन समय में एक बहुत ही बुरी प्रथा को समर्थन प्रदान उसने किया। अनेक जो आलोचक हैं वे अरस्तु के समस्त जो वैज्ञानिक चिंतन है या उसका जो अनुभववाद पर आधारित दर्शन है उसकी दास्ता की जो थ्योरी है इसके आधार पर उसकी आलोचना करते हैं कि वह वैज्ञानिक होते हुए भी इस बुरी प्रथा जो है इसका अरस्तु समर्थन करता है। लेकिन इसके अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम जाएंगे कि अरस्तु का जो गुरु है प्लेटो, कि प्लेटो अपने जीवन काल में 11 वर्षों तक विश्व भ्रमण पर रहा था और उस दौरान प्लेटो भारत में भी आया बताते हैं, तो उस समय भारत में जो वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसी प्रकार प्लेटो के द्वारा भी समाज में जो अनेक वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग बनाए गए थे, तो इसके साथ साथ जो वह भारत में जो दास प्रथा थी उसे हमें, जो शूद्र व्यवस्था थी उसे हम यूनान की दास प्रथा के साथ एक कंपेयर हम कर सकते हैं। इसके अलावा अरस्तु के जो वहाँ का एटी गणराज्य था यूनान का, उसमें जो दास प्रथा विद्यमान थी उससे अरस्तु प्रभावित था। लेकिन इसके साथ साथ अरस्तु की जब अगर हम माने तो उसमें ये देखते हैं कि अरस्तु ने तत्कालीन समय में यूनान में जो दास प्रथा थी उसके बारे में लिख कर एक व्यवहारिकता के आधार पर, व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर इसे समर्थन प्रदान किया, तो वह अरस्तु का एक साहसी है। तो अरस्तु के अनुसार सबसे पहले दास कौन हो सकता है? अरस्तु के अनुसार दास वह हो सकता है जिसका अपना कोई व्यक्तित्व तो नहीं होता, यहाँ तक कि उसका अपना स्वयं का मस्तिष्क भी नहीं होता। अरस्तु के अनुसार दास का स्वयं का अपना व्यक्तित्व तो नहीं है, न स्वयं का उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण है। जिस व्यक्ति को स्वामी के नाम से जाना जाए वह दास है। इस प्रकार दास कौन है? दास वह है जो अपने स्वयं का नहीं होकर किसी दूसरे का है, जो जिसका अपने स्वयं के मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार या जिसका अपना स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं है वह दास है। क्योंकि अरस्तु जब राज्य के बारे में कहता है कि राज्य जो है वह है परिवार जो है उससे आगे की संस्था है, तो परिवार किससे मिलकर बना है? कि परिवार स्वामी, दास, पति, पत्नी और संतान से मिलकर बना है। तो इसलिए परिवार के अंदर भी वह दास को प्रमुख स्थान देता है। इसके साथ साथ वह जब परिवार की संपत्ति की बात करता है तो कि संपत्ति दो प्रकार की है, सजीव और निर्जीव। जो सजीव संपत्ति है उसके अंदर जो दास है, हाथी हैं, घोड़े हैं या अन्य जो उसके पशु हैं वो हैं, निर्जीव संपत्ति में उसकी जो मकान है या अन्य आभूषण हैं वे इन्हें इसने शामिल किया है। इस प्रकार अरस्तु जो वह न केवल दास को परिवार का अंग बताता है बल्कि वह ये भी बताता है कि दास जो है वह स्वामी की सजीव संपत्ति है, स्वामी की सजीव निजी संपत्ति है। और इसमें भी जब संपत्ति के अंदर भी हम बात करते हैं कि सबसे पहले काम आने वाली संपत्ति अरस्तु ने दास को कहा है। इस प्रकार अरस्तु दास प्रथा का अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के द्वारा समर्थन करता है और
दासता को समाज के लिए आवश्यक बताता है। अब इसके अंतर्गत अगर दास के विभिन्न प्रकारों की हम अगर बात करेंगे कि दास के जो प्रकार है, एक प्राकृतिक है, दूसरा वैधानिक है। कि प्राकृतिक कौन सा है? प्राकृतिक ऐसे लोग दास हैं जो प्रकृति के द्वारा ही असमान पैदा हुए हैं, कि प्रकृति ने अलग अलग जो व्यक्ति पैदा किए हैं उसमें कुछ लोग मानसिक रूप से श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग शारीरिक कार्य करने में श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए प्राकृतिक दास कौन है? जो कि शारीरिक कार्य करने में श्रेष्ठ हैं और जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ है। दूसरा वैधानिक दास, वैधानिक दास जो युद्ध में पराजित जो सैनिक हैं उन्हें दास बनाने का प्रावधान है। लेकिन वैधानिक दासता में भी अरस्तु कहता है कि कोई भी जो यूनानी है वह दास नहीं बन सकता। अगर युद्ध में पराजित है, यूनानी सैनिक है, तो भी वह दास नहीं बन सकता, क्योंकि बौद्धिक रूप से वह श्रेष्ठ है। इस प्रकार कि अरस्तु दासता का वर्णन करते हुए जातीय अहंकारता का भी वो प्रदर्शन करता है कि यूनानी व्यक्ति दास नहीं हो सकते। इसके अलावा कि दासता को उसने उचित किस आधार पर बताया कि दासता प्राकृतिक है, कि प्रत्येक प्रकृति के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समान पैदा नहीं हुए हैं, और जो व्यक्ति अच्छी तरह से श्रेष्ठ कार्य शारीरिक श्रम कर सकते हैं वे व्यक्ति दास हैं, और जो मानसिक संबंधी कार्य, बुद्धि संबंधी कार्य करते हैं वे स्वामी हैं। ले भाई, वो लोग स्वामी हैं। इसी प्रकार जो तीसरी बात हम देखते हैं कि प्लेटो के बारे में, कि अरस्तु के बारे में, कि दासता प्राकृतिक है, प्रकृति के साथ साथ जो दासता स्वामी और दास दोनों के लिए अनुकूल है। अनुकूल क्यों है? क्योंकि एक समय ऐसा आता है अरस्तु के अनुसार जब जो दास है वह स्वामी के संपर्क में रहकर वह अपने स्वयं का विकास कर सकता है और दासत्व से मुक्ति पा सकता है। इसके साथ साथ कि दासता जो है नैतिक है, कि दास प्रथा का समर्थन वह इसलिए भी करता है कि स्वामी है उसे प्रशासनिक कार्य में, न्याय में सहयोग करना होता है राज्य के, तो इसके लिए उसे अवकाश की आवश्यकता है। तो स्वामी को अवकाश कब प्राप्त होगा? जब उसकी शारीरिक श्रम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति दास के द्वारा की जाएगी, तभी जो वह स्वामी है वह अच्छे प्रकार से अपने बौद्धिक और जो राज्य के संबंध में प्रशासनिक कर्तव्य हैं उनको पूर्ण कर पाएगा। इसलिए दासता प्राकृतिक है, दासता जो है वह स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी है। इसके साथ साथ दासता वह नैतिक भी है, कि इसके अलावा कि दासता यूनानी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक थी, क्योंकि तत्कालीन समय में यूनान में जो अर्थव्यवस्था थी वह दास प्रथा पर आधारित थी। दास बड़ी संख्या में खरीदे और बेचे जाते थे और शारीरिक श्रम संबंधी कार्य दास के द्वारा किया जाता था। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अरस्तु के पास स्वयं के पास 1000 के लगभग दास थे जो कि इसके विभिन्न आदेशों की पालना के लिए तैयार रहते थे। इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए भी यह है, यूनानी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए भी दासता जो तत्कालीन समाज का अभिन्न अंग बन गई थी। इसके साथ साथ अरस्तु जो ये भी मानकर चलता है कि दास न केवल स्वामी की सजीव संपत्ति है, दास के प्रति स्वामी का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। कि दास जो है वह स्वामी के नाम से जाना जाएगा, स्वामी के जैसे कपड़े वह पहनेगा, स्वामी के घर में वह रहेगा, तो स्वामी के प्रति स्वामी का भी दास के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कि दास के प्रति वह हिंसा का भाव नहीं रखे। इसके साथ साथ वह कहता, जब भी स्वामी को लगे कि जो दास है वह उसका मानसिक विकास हो चुका है तो वह उसे मुक्त कर दे। इसके साथ साथ जब स्वामी की मृत्यु हो जाए तब भी वह सभी दासों को दासता से मुक्त कर दे। इसके साथ साथ कि दासता का वह बताता कि दासता क्या है? प्राकृतिक है, न कि वंशानुगत। कि स्वामी का पुत्र दास हो ही आवश्यक नहीं है, स्वामी का पुत्र बुद्धिमान हो सकता है, स्वामी बन सकता है। इसलिए जो दासता है यह है प्राकृतिक है, न कि वंशानुगत। इसके अलावा वह ये भी मानकर चलता है कि जो मैंने पहले बताया कि यूनानी लोग जो हैं वे कभी उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता। युद्ध में पराजित जो युद्ध बंदी हैं उन्हें दास
बनाया जा सकता है। इस प्रकार वह दासों के प्रति स्वामी का व्यवहार कैसा हो इसका भी वर्णन करता है। इसके अरस्तु के दासता संबंधी सिद्धांत की इसके जो विचारक हैं, इसके फॉलोअर्स हैं अरस्तु के, उनके द्वारा आलोचना भी की गई है। उन्होंने इसे जो अप्राकृति कहा है कि प्रकृति ने सभी को समान पैदा किया है तो कुछ के प्रति अमानवीयता का व्यवहार उचित नहीं है, ये असमानता को में वृद्धि करता है, अन्याय में वृद्धि कर अलोकतांत्रिक है कि जब सभी समान हैं तो कुछ के प्रति असमानता या अन्याय क्यों किया जाए। इसके साथ साथ कि यह अमनोवैज्ञानिक भी है कि जब व्यक्ति के माना गया है कि वह संपूर्ण समर्पण दास का स्वामी के आदेश के प्रति रहेगा, लेकिन व्यक्ति अपने मस्तिष्क का समर्पण कर स्वामी के प्रति कर दे, यह संभव नहीं है। इसके साथ साथ इसकी अरस्तु की दासता संबंधी विचारों की आलोचना की ये भी कहा गया है कि वह जो आपस में जो इसने विचार व्यक्त किए हैं वे भी विरोधाभासी हैं। विरोधाभासी इस रूप में कि कहीं कहता है कि दास को मुक्ति मिल सकती है जब उसका बुद्धि का विकास हो जाए, लेकिन जब स्वभाव से ही प्रारंभ से ही जब उसमें बुद्धि नहीं है तो उसका फिर बुद्धि का विकास कैसे संभव है। इस प्रकार अरस्तु के द्वारा जो दासता संबंधी विचार हैं, अगर इसके महत्व के बारे में हम सोचें कि ये तत्कालीन समय में यूनान की एक बुराई थी, लेकिन वह उस समय की ऐसा माना गया है कि अरस्तु उस समय की इस बुराई के प्रति इतना अधिक वह चिंतित था कि उसने इसकी मुक्ति का एक मार्ग पैदा किया है कि ये इस प्रकार से, और दासता पर लोग वहाँ के लोगों का ये जो सोफिस्ट विचारक हैं उनकी आलोचनाओं का को भी सहन कर इसे अपने विचारों में अरस्तु के द्वारा स्थान दिया गया है। और जो महत्व तो इसी में है कि उसने दास को मुक्ति का मार्ग दिखाया है कि वे अपने प्रयासों के द्वारा किस प्रकार दासता से मुक्त हो सकते हैं। और जो आलोचक हैं वे ये कह सकते हैं कि किस अरस्तु जैसा महान विचारक भी तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसका इतना उससे प्रभावित हो गया था कि उसे दास प्रथा जैसी सामाजिक बुराई थी इसका समर्थन करना पड़ा था। तो इस प्रकार हम अरस्तु के जो दासता संबंधी की क्यों उसने पॉलिटिक्स में दास संबंधी अपने विचार व्यक्त किए हैं उसका अध्ययन हमने प्रस्तुत किया है। अब आने वाली क्लासेज में हम और आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। व्हाट्सएप नोट्स आप उनको भी देखते रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू यू।